आपको बता दें कि मामला बुलंदशहर के थाना नरौरा क्षेत्र के गांव बैलोन का है, जहां एक विद्युत विभाग की टीम द्वारा मजदूरों से विद्युत लाइन का खंभा खड़ा कराया जा रहा था। खंभा खड़ा करते समय ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज 11,000 लाइन से खंभा टच हो गया और खंभे में करंट आ जाने के कारण मजदूर की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया और गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रख नरौरा स्थित दिल्ली बदायूं हाईवे को जाम कर सरकार से मृतक के परिवार के लिए 50 लाख व एक सरकारी नौकरी की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैं हाइड्रा चला रहा था और वहाँ पे एक सरकारी लाइनमैन थे राजकुमार और एक प्राइवेट संविदा कर्मी था, दोनों से पूछे। जय साहब भी आए थे वहाँ पे, जय साहब आके चले गए और बोले कि ये लोग दोनों तुम्हारे साथ में रहेंगे और उनसे हमने पूछा भाई सिट डाउन हो गया और वो जिनकी डेड हुई है उनने भी पूछा सिट डाउन हो गया, एक लड़का और था साथ में उसने भी पूछा कि सिट डाउन हो गया सिट डाउन, चार पांच बार उनसे बुलाया कि सिट डाउन पक्का है, कहाँ पक्का है सिट डाउन। किसने बोला ये? ये राजकुमार और एक संविदा कर्मी थे और जय साहब थे। तो लाइन जो खड़ी कर रहे थे कौन सी लाइन थी? 11 KV थी। कितने लोग थे आप मौजूद? हम 3 लोग थे कार करने वाले। हादसा हो लोग थे ये तो कैसे हुआ ये हादसा? हादसा ऐसे हुआ, इन्होंने सिट डाउन झूठा बोल दिया कि सिट डाउन है, हमने खम्मा ऐसे ही ऊपर उठाया हाइड्रा से तो वो उस ऊपर जाकर टच हुआ, ये भैया हमारे नीचे पकड़ रहे थे तो उसमें पोल में करंट आया। तो आप इन्हीं के लिए करंट लगा किसी और के भी लगा? नहीं नहीं, ये नीचे पकड़ रहे थे और मैं हाइड्रा चला रहा था, थोड़ा करंट के भी लगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।